तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बचपन, जो कि टीजीटी हिंदी में केवीएस के सिलेबस में नया सिलेबस दिया गया है, उसी के संबंध में हम लोग देखेंगे। तो ये कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित, लिखित कह सकते हैं इसे, एक संस्मरण है, कहानी नहीं है। संस्मरण क्या चीजें होती हैं? संस्मरण वो सारी चीजें होती हैं जिसमें हम अपने विचारों को, बचपन की यादों को, या भी ऐसी कोई भी चीज जो कि याद करके एक तुकबद्ध तरीके से लिखा जाता है, उसे संस्मरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या लिखा है थोपती जी ने। इसमें यह है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले चलूंगी। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। तो जीजी का मतलब क्या होता है? जीजी का मतलब होता है बड़ी बुआ, ठीक है, जिसको हम लोग जीजी कहते हैं, या दीदी की कई जगह पे बोला जाता है, दीदी से जो बड़ी दीदी होती है उनको बुआ बोला जाता है, वही आप समझ लीजिए कि उनको जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। उनका कहना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं कई लोगों से बड़ी हो गई हूँ उम्र में और खुद को काफी ज्यादा सयाना महसूस करने लगी। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। उनको ये लग रहा है कि वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा, अगर मैं अपने बचपन से अपनी जो है तुलना करूं तो पहनावे में काफी बदलाव आ गया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी कलर। उन्होंने बताया है कि मैं पहले बचपन में जो है रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, जैसे कि नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनूं। कहते हैं कि अब कुछ मन ऐसा करने लगा है कि सब रंग बिरंगा छोड़ दो और सफेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग, बहुत ही हल्के रंग पहनने का मन करता है। मैंने पिछले दशकों की तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो पिछले दशक हो गए हैं, कई दसियों साल हो गए हैं, उनमें मैंने तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो उन्होंने क्या क्या बताया है कि पहले उन्होंने फ्रॉक पहनी है, निकर वॉकर पहने हैं, स्कर्ट पहना है, लहंगे गरारे और चूड़ीदार घेरदार कुर्ते पहने हैं। उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं कि उन्होंने क्या क्या पहना है। तो इस चीज को नोट करते चलिएगा, ये पूछा जा सकता है, अब एग्जामिनर हैं, क्या पूछ लें कुछ पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक मुझे अब तक याद है। कुछ लोगों के होते हैं बहुत ही अच्छे कपड़े होते हैं जो बचपन से लेकर के यादों में बने रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि बचपन के कुछ फ्रॉक हैं जो मुझे अभी तक याद हैं। हल्की नीली पीली धारी वाला फ्रॉक, कहने की एक हल्का नीला पीला था धारी वाला फ्रॉक, वो याद है। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, कह रहे गोल कॉलर था और बाजू पर भी गोल कफ था। हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, अब ये भी एक प्रकार का जो है फ्रॉक था। कौन कैसा? गुलाबी, हल्के गुलाबी रंग का था, बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक था। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। फ्रिल क्या होती है? फ्रिल आपको मैं बता दूं, फ्रिल एक तरीके की झालर होती है जो नीचे फ्रॉक में लगती है। तो उसको उन्होंने बताया कि गुलाबी फ्रॉक थी जिसमें नीचे फ्रिल लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। कह रहे कि इन्होंने अपने बचपन को याद किया है। कह रहे उस समय की बात है जब कि फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में तरह तरह के फीते, जिनको रिबन बोलते हैं, रिबन रिबन का चलन था। तो उस समय वो ये सब यूज किया करती थी। लेमन कलर का बड़े प्लेटो वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। टकी मतलब होता है टाँकना, सिलना, ठीक है। तो ये होता है, उन्होंने कहा कि एक लेमन कलर का बड़े प्लेटो वाला गर्म फ्रॉक था जो कि जाड़े में पहनती थी और उसके नीचे फर टकी थी। तो फर इसलिए क्योंकि उनको जाड़ा ना लगे। दो ट्यूनिक भी याद है, कह रहे हैं हमको दो ट्यूनिक याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। एक जैसा था चॉकलेट कलर का, उसके अंदर की कोटी क्या थी? प्याजी थी। और दूसरा ग्रे कलर का था तो उसके साथ जो है सफेद कोटी थी। तो उन्होंने एक दो चीजें बताई
तो इनके साथ सफेद कोटी और अंदर की जो ग्रे कलर की ऊपर की जो थी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, टंकी का मतलब होता है सिलना, टांका लगाना, ठीक है। फ्रॉक मतलब फ्रॉक होती है, ठीक है। और कोटी, कोटी जो है हाफ होती है, कंधे के ऊपर से होती है, उसको कोटी बोलते हैं। जैसे लड़कों में ब्रेस्ट कोट के ऊपर कोट पहना जाता है, वैसे ही लड़कियों में एक कोटी होती है, काफी लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके का उन्होंने अपना वर्णन किया है कि हमने बचपन में क्या क्या किया। चलिए आगे पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। वो कह रहे हैं कि हमें मोजे और स्टॉकिंग याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। उन्होंने बताया अपने बचपन की बात, कि बचपन की बात है, हम लोगों को अपने मोजे खुद धुलने पड़ते थे। धो लेने के बाद धुलने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। कहते थे कि जितने भी कपड़े थे वो सब खुद को ही धुलने पड़ते थे, जिसमें खासकर मोजे थे, और बाकी नौकर नौकरानी को नहीं दे सकते थे, मना ही थी। घर पे लोग मना करते थे कि जो है ऐसा नहीं करना है। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करते, चमकाते, और जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। उन्होंने ये बताया है कि हम लोग जो थे, जब बच्चे संडे को, इतवार को संडे बोलते हैं, रविवार बोलते हैं, आप इसको याद रखिएगा, तो कहते हैं कि जब से हम लोग धुल लेते थे कपड़े, और कपड़े धुल लेने के बाद में कपड़े मतलब मोजे से मतलब है कपड़ों का, तो मोजे धुल लेने के बाद में क्या करते थे कि जूतों में पॉलिश लगाते थे, और पॉलिश लगाने के बाद उसको चमकाते थे, ठीक है। चमकाते कैसे थे, कपड़े या ब्रश से उसको रगड़ते थे, काफी ज्यादा रगड़ते थे, और रगड़ने के बाद उसकी जो पॉलिश थी वो जब कसके रगड़ जाती थी उभरने लगती थी उसकी चमक, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सर्वर कौन है, पूछा जा सकता है। तो सर्वर एक ऐसा साथी है जो कि उस समय उनकी बात को सुन रहा है, तो उसको सर्वर बोला गया है, कोई थर्ड पर्सन है आप कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि अब नई नई किस्म के सू आ चुके हैं। कहना कि आप सुप्ति जी कह रही हैं कि अब तो बहुत अच्छी अच्छी किस्म के सू आ गए हैं। किस मतलब होते हैं कि तरह के, ठीक है, क्वालिटी कह सकते हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। ये कह रही हैं कि ये जो अब के जूते हैं वो पहले से बहुत ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते तो उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। कह रहे कि हम अपने समय की बात करें तो हमें जब नए जूते मिलते थे तो क्या होता था कि छालों का इलाज शुरू हो जाता था। छालों का इलाज इन द सेंस ये है कि उस समय जूते काट लिया करते थे, हार्ड प्लास्टिक के या चमड़े के बनते थे, तो जब नए नए पैरों में जाते थे तो वो काट लिया करते थे। तो ये स्थिति उन्होंने बताई है। तो कह रहे थे जब काट लेते थे तो छाले पड़ जाते थे, छाले पड़ जाते थे तो उनका इलाज शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। कह रहे कि अगर हम काफी लंबा चलना पड़ता था नए जूते पहनकर, तो अपने पास रुई जरूर रख लेते थे। जूते लगा लो तो रुई मोजे के अंदर, हाँ हमारे तुम्हारे बचपन में तो क्यों जरूरत पड़ती थी, जैसे कभी कभी जूता जो है ढीला होता था या कुछ भी ऐसा होता था, तो वो जो रुई थी वो जूते के अंदर डाल दी जाती थी। आप लोगों ने भी किया होगा अगर आपको याद हो तो। क्या कहते थे कि बचपन में जब भी लंबा चलना होता था तो जूते ढीले ना लगें, इधर उधर ना हो, पैर ना भगे इधर उधर, क्योंकि अगर ऐसा होता था तो पैर में कट लग जाती थी। तो इसलिए वो लंबी सैर के लिए जब भी निकलते तो जूते में रुई लगा लेती थी, जिससे क्या होता था कि उसकी साइज जो है पैर के अकॉर्डिंग हो जाती थी। तो इस वजह से वो पैर में जो है वो रुई रख। आगे आगे देखते हैं। कह रहे हमारे तुम्हारे, यहाँ पे देखेंगे, हाँ हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। कह रहे हमारे तुम्हारे बचपन में क्या है, बहुत फर्क हो चुका है। शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ऑलिव ऑयल आप समझते हैं, और शनिचर का मतलब होता है शनिवार, ठीक है, शनिवार। कह रहे हमें और कैस्टर ऑयल को बोलते हैं अरंडी का तेल, ठीक है। कह रहे या तो हमको ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था शनिवार को, या फिर कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था।
क्यों, अब देखेंगे। यह एक मुश्किल काम था, कह रहे कि बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। जैसे ही दिन शनिवार आया, उनके दिमाग में आता था कि आज कस्टर्ड पीना है, तो उसकी गंध जो है वो सुबह से ही आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखने से मितली होने लगती। जैसे आजकल जो है सिरप आता है छोटे बच्चों का, तो उसमें क्या होता है कि उसमें 5 ml और उसके बाद में 10 ml, 7 ml इस तरीके के निशान होते हैं प्लास्टिक के उसमें। तो उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि जो ग्लास था छोटा शीशे का, उस पर जो है खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे और जिन्हें देखकर ही मितली होने लगती थी। आगे इन्होंने क्या कहा है वो देखते हैं। कह रहे, मुझे आज भी लगता है कि अगर हम भी ना पीते हुआ शनिवारी दवा, तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला था नहीं था। लेकिन मुझे आज लगता है, सत्य जी सोच के बता रहे हैं कि अगर हमें लगता है कि अगर हम आज भी वो शनिवार की दवा ना पीते, मतलब शनिवार की दवा का सेंस है इनका, जो तेल उनको पीना पड़ता था, तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला तो था नहीं, सेहत ठीक ही रहती। कह रहे कि सेहत उस समय ठीक ही रहती थी। आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा कि मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं अब बता रही हूं कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल चुकी हैं। दिलचस्पियां मतलब कि जिसमें आपकी रुचि हो, ठीक है, दिलचस्पियां का मतलब रुचि। तो कह रहे हैं कि यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। सोपती जी कहती हैं कि उस समय में कुछ अलग चीजें थी इसमें दिलचस्पी होती थी, और आज की बात अलग है। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। कह रहे कि याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। सुप्ति जी बता रही हैं कि जिस समय की मैं कहानी बता रही हूँ आपको, उस समय कुछ ज्यादा नहीं था। उस समय कुछ घरों में ही ग्रामोफोन हुआ करते थे, रेडियो और टेलीविजन तो बिल्कुल ही नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। अभी क्वेश्चन याद करिएगा, इसको मेंशन करते चलिएगा। कह रहे हैं कि बचपन की कुर्सी जो है वो आजकल आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है। कचौड़ी समोसा क्या हुआ, पैटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। शहतूत और फालसे और खसखस, ये तीन चीज याद रखिएगा, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। उन दिन कोक नहीं, लेमिनेट विम्टो मिलती थी। कह रहे कि उन दिनों क्या है, कोक नहीं मिलती थी, एक लेमिनेट विम्टो मिलती थी, जो कि एक पेय पदार्थ है उस समय का, जैसे आजकल कोक पेप्सी वगैरह है, उस समय ये सारी चीजें थी। आगे देखते हैं। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चे को वेंगर्स और डिस्को रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्टीज मजा देने वाले थी। नई दिल्ली और शिमला की अगर बात करें, तो वहां के जो बच्चे थे उनको वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट, ये दोनों याद कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है, कौन कौन से रेस्टोरेंट है, वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट। कह रहे हैं उनकी चॉकलेट और पेस्ट्री का काफी मजा देती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती थी शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो सोपती जी और उनके भाई थे, उन दोनों लोगों की ड्यूटी लगती थी कि शिमला से ब्राउन ब्रेड लाना है। तो ब्रेड आप जानते हैं कि दो टाइप की होती है जनरली, तो ब्राउन ब्रेड और व्हाइट ब्रेड, तो वही उन बता रहे। कह रहे हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। कह रहे कि जो उनका घर है, लेखिका महोदया का, इनका घर क्या है, कह रहे कि बहुत ज्यादा दूर नहीं था घर से, एक छोटी सी चढ़ाई थी, फिर गिरजा मैदान पहुंच जाते और वहां से उतराई उतरते और मॉल पर। कह रहे कि वहां से फिर पहाड़ी से जैसे ही उतरते वैसे मॉल पर पहुंच जाते। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि हम लोग कैसे कैसे जाते थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्रीज और चॉकलेट की खुशबू खूब मनभावनी थी। तो कह रहे कि वहां जब काउंटर पर पहुंचते, कन्फेक्शनरी के काउंटर पे, तो वहां की खुशबू पेस्ट्रीज और चॉकलेट की मन को बहुत ही भावन लगती थी, बहुत ही प्यारी, मनभावनी मतलब मन को मोहने वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफी का स्टॉल रहता था। लेखिका महोदया कहती हैं कि भले हमको एक दिन खरीदना होता था, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास जो है सबसे ज्यादा चॉकलेट और टॉफी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती। उन्होंने कहा कि मैं खड़े
खड़ी खड़ी कभी चॉकलेट नहीं खाती थी। यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता था कि लेखिका महोदय कैसे जो है चॉकलेट नहीं खाती थी। ऑप्शन मिल जाएंगे, चाहे खड़े खड़े, बैठे बैठे, लेटे लेटे, या इनमें से कुछ नहीं। तो आपको खड़े खड़े पता रखना चाहिए। घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती और रात में खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजे ले ले खाती। कह रहे कि घर लौटकर वो जो चॉकलेट थी वो साइन बोर्ड पर रखती, साइड बोर्ड पर रख देती थी, और रात में क्या होता था कि बिस्तर में लेटकर खाती थी खाना खा लेने के बाद। तो यहाँ तो ये चीजें हो गई। आगे शिमला के कौफल भी बहुत याद आते हैं। कौफल एक तरीके का फल होता है जो खट्टा मीठा होता है, शिमला में पाया जाता है। तो शिमला के कौफल बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे कुछ थे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। कह रहे कि कुछ एकदम लाल हुआ करते थे, कुछ गुलाबी, रस भरी और कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए, उस समय ऐसा था ये। चेस्टनट और गजब की चीज। कह रहे चेस्टनट क्या थी, एक और गजब की चीज थी, बहुत ही अच्छी चीज थी। आग पर भूने जाते और मतलब कह रहे कि जो चेस्टनट था उसको खाने का तरीका यह था कि उसको आग में भूना जाता और उसके बाद छिलके उतार कर मुंह में रख लिया जाता, मतलब खा लिया जाता। और बात करें तो चने जोर गरम और अनार दाने का चूर। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो थी तब थी, जो तब थी वह अब भी नजर आती है। कह रहे कि सब कुछ तो बदल गया, लेकिन चने जोर गरम की जो पुड़िया थी उस समय भी थी और अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। कहने की जो पुराने कागजों से ये जो बनाई गई है पुड़िया, इसमें निरा हाथ का कमाल है, मतलब पुराने हाथों का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। जिसको कोन बोलते हैं, लेखिका महोदया कोन को ही बताने का प्रयास कर रही हैं, ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं। चने हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो आप समझ सकते हैं, ये जब क्रांति मूवी बनी थी उस मूवी का ये गाना है, और ये बहुत पुरानी मूवी हो चुकी है उस समय। ये लेखिका महोदया कहती है कि उस समय स्कूलों में बच्चों को सबको याद था, तो मतलब कि ये काफी पुरानी बात हो चुकी है। तो ये गाना भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, हालांकि संभावत तो नहीं है, लेकिन हो सकता है, तो आपको ये गाना याद रखना है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। बुरकवाने का मतलब होता है छिड़काना। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। कह रहे कि मैदान इतना बड़ा था कि जब तक हम लोग घूमते तब तक यह पुड़िया चलती। इसको दूसरे तरीके से, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उस जो पुड़िया थी उस पुड़िया में इतने वो चने डाल देता था कि जब तक मैदान घूमा जाता तब तक वो चलते रहते थे। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने पर और कदम उठाने में एक ही खास लय और रफ्तार थी। कह रहे कि बहुत ही आराम से हम लोग क्या करते थे कि चने को खाते और कदम उठाते। तो इस तरीके से चलते चलते वो पुड़िया जो है पूरे मैदान तक चल जाती थी। छोटपन में हमने शिमला रिज में बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि बचपन में हमने क्या किया है कि शिमला में बहुत मजे किए हैं, शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। तो आज तक आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, और इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। और प्लीज कमेंट करते रहिए आप लोग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, आपको हम कुछ अच्छा और बताने की कोशिश करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कोताही मत बरतिए, ठीक है। और हम फिर कहते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे जो है सबके कुछ ना कुछ परीक्षा में जो है इसे लाभ हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे, यहीं से आगे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।